हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है सुबह और योगा के साथ ही सुबह की जो है शुरुआत वो हो चुकी है। यहाँ पर मैं योगा थोड़ा सा कर लेती हूँ क्योंकि ना सुबह सुबह ठंड लगती है रजाई में से निकलने में, लेकिन एक बार निकल जाओ ना और एक बार एक्सरसाइज शुरू कर दो फिर तो बॉडी ऐसे हो जाती है। कहने का मतलब है कि सर्दियों में सिर्फ रजाई में पड़े पड़े सोचते रहो बस, तभी तक ठंड है। जब उठ जाओ ना रजाई हटा के तब कोई ठंड नहीं है और अपने काम पर लग जाओ। तो यहाँ पर योगा कर लेती हूँ ना, इससे क्या होता है कि सारे दिन शरीर एकदम बिल्कुल ही फुर्तीली बनी रहती है और चाहे दिन भर काम ही करती रहती हूँ दौड़ दौड़ के फिर भी मुझे थकावट नहीं लगती। और सही बताऊँ तो मेरे जो एक्टिव होने का राज है वो यही है, जिस दिन मैं योगा ना करूँ ना उस दिन मेरे शरीर में इतना दर्द होगा कि मुझसे कुछ काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं गर्म पानी कर ली हूँ, जैसे कि मेरी रूटीन है। गर्म पानी पीने के बाद मैंने तुरंत ही चाय चढ़ा दी है और सुबह की चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। तो चाय पीने के बाद क्या है, छान लेती हूँ और मैं इनको भी दे दूँगी, खुद भी पी लूँगी। मतलब चाय तो हम दोनों ही बिस्तर पर पी ही लेंगे। उसके बाद मैं हीटर जलाकर खूब सारे लहसुन आज छील ली हूँ क्योंकि लहसुन छीला रहता है तो बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद मैं आज बना रही हूँ कुलचे। तो यहाँ पर कुलचे और छोले आज यही ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं, क्योंकि बेटे की डिमांड थी तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो मटर मैंने रात को भिगो दी थी वाइट वाली और अभी उसको बॉयल कर ली हूँ। और बॉयल करने के बाद मैंने इसको हल्का सा मतलब तड़का लगा दिया तेल में और मसाले बहुत ही कम इसमें डलते हैं, हल्दी भी बिल्कुल नाम मात्र डलती है। क्योंकि जो छोले कुलचे होते हैं ना वो वाइट वाइट ही मटर अच्छी लगती है। और जो इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च हरी धनिया ये सब कुछ डालूंगी मैं। अभी हरी धनिया थोड़ा सा डाल दी हूँ उसमें तड़के में ही, हरी मिर्च भी थोड़ी सी, और इमली का जाएगा ये पानी, इमली भिगो के पानी इसका डाल दूंगी। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चटपटा एकदम छोला बनता है। तो बस यहाँ पर हल्दी नमक मिर्च मसाला मैंने थोड़ा थोड़ा सारा कुछ डाल दिया और नमक डाल के मैंने बॉयल ही कर लिया था। तो अब क्या है कि ये ऊपर से जाएगा लच्छे वाला जो है अदरक, उसके बाद बारीक कटी कटी मतलब प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सब कुछ जाएगा और ऊपर से हरे धनिया की गार्निशिंग और मैं कर दूंगी जब मैं सर्व करूंगी। तो ये हल्का हल्का मैं दबा दबा के, क्योंकि ये बॉयल अच्छी तरह हो चुका है तो अब इसको हल्का हल्का से ऐसे घुटा लूंगी ताकि ये घुट जाए अच्छे से और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। छोले कुलचे ना घर के ही अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक और सुबह और आज की सुबह है धूप वाली, देख सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आजकल थोड़ी थोड़ी धूप होनी शुरू हो गई है, चाहे सुबह बेशक कितना ही मौसम खराब हो लेकिन इस टाइम तक धूप हो जा रही है। तो अभी जो कल वाले कपड़े हैं ना वो थोड़े से मतलब हल्के हल्के गीले थे, तो धूप देखते के साथ ही होता है ना बस कपड़े लेके भाग जाओ सर्दियों में, ऐसे होता है। तो वो कपड़े मैं ले आई हूँ और थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ ताकि जो कल वाले हैं वो मतलब अब सूख जाएंगे, तो उसको जो प्रेस वाले हैं धोबी भैया को दे दूंगी गट्ठर बना के, और जो मेरे कपड़े हैं वो मैं खुद ही प्रेस कर लूंगी। अंदर चलती हूँ, कुछ काम देखती हूँ कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो नाश्ता मैं करा चुकी थी और कपड़े सारे बाहर फैला चुकी थी, फिर मैंने आटा आया था तो मैंने कहा चलो ड्रम में अच्छे से इसको दबा दबा के रख लेती हूँ, भरने का भी काम एक हो जाता है। और यहाँ पर मल्टीग्रेन आटा जो मेरा होता है ना मैं इसी की रोटियाँ खाती हूँ, लेकिन आजकल जब से बेटा आया ना अलग से अपने आप बनाया ही नहीं जा रहा है, मैं वही खा ले रही हूँ जो सबके लिए बना रही हूँ। लेकिन अभी कोशिश करूँगी मैं अलग ही गूँथ के रखूँ अपना ताकि मैं दो रोटी फटाफट बना सकूँ उसकी। तो इसको अलग मैंने भर के इसी में माइक्रोवेव वाला जो मेरा डब्बा है बस इसी में भर के रख देती हूँ। और यहाँ पर लंच के लिए मैंने दाल चढ़ा दी थी, दाल सीटी दे दी थी, इसको तड़का लगा दी हूँ क्योंकि लगे हाथ लंच का भी काम निपटाना है, अब लंच का भी टाइम हो गया है। तब तक हम करते हैं लंच और आप लोग देखिए श्रेया क्या बना रही है अपने किचन में, चलिए मैं भी देखती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो मैं आज लेके आई हूँ आप सबके लिए एक न्यू रेसिपी जो कि हर किसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है और स्पेशली विंटर्स के टाइम पे सबको इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। कुछ दिन से मैंने देखा कि मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और मुझे अंदर बॉडी के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो कोई ड्रिंक सर्च करते हैं जिससे मेरी न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो पूरी हो सके। और फाइनली मैंने एक ड्रिंक फिर प्रिपेयर करी, तो उसके इंग्रेडिएंट्स ये है आपके सामने। तो यहाँ मैं ले लेना सफेद तिल, ये हमारी मूंगफलियां, यहाँ हमारे बादाम, ये हमारे अखरोट, ये रहे हमारे खजूर, ये रहे हमारे काजू और ये रहे हमारे पम्पकिन सीड्स।
इसमें से जो कुछ भी आपके पास हो आप वो यूज कर सकते हैं, जो कुछ ना हो आप वो स्किप कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जैसे हम लोग दो लोग हैं तो उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है कि ज्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा गर्म भी नुकसान कर जाएगा ये। और ये ड्रिंक आप हफ्ते में दो बार ले सकते हैं गर्मियों के टाइम में, और सर्दियों में तीन बार ले सकते हैं। रेगुलर मत लेना, एक तो ये बहुत ज्यादा गर्म करता है, दूसरा बहुत हाई इन कैलोरी होता है, तो जिस दिन आप ये लो उस दिन आपका एक मील जैसे कवर अप हो जाता है, तो उस हिसाब से लेना। और मैंने से चार बादाम लिए हैं, जैसे हम लोग दो जन हैं तो हम मैंने लिए हैं आठ बादाम, और ऐसे ऐसे करके दो जन के हिसाब से प्रोपोर्शन लिया है। और उसको रात भर हमको भिगो के रखना है, तो मैंने यहाँ पे रात भर भिगो लिए थे अपने ड्राई फ्रूट्स, और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसका शेक। तो ये रहे मेरे सोक्ड सारे ड्राई फ्रूट्स, और इसको मैं डाल रही हूँ अपने मिक्सी जार में। फिर इसके अंदर आप कोई भी फ्रूट अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास फ्रूट ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि आज मेरे पास फ्रूट नहीं है। तो मैं इसके अंदर सिर्फ मिल्क और पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ मैंने इसमें दूध डाल दिया और मैं उसको मिक्स करने जा रही हूँ मिक्सी में। आप चाहें तो उसको गर्म दूध में उबाल के भी ड्राई पाउडर की तरह उसको पी सकते हैं, जिसकी ऐसा दूध होता है, या फिर आप ऐसे शेक बना के पी सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आप पीना चाहते हो। तो ये रहे मेरे शेक्स बनके तैयार, बायोटीन शेक। अभी मैं इसमें डालूंगी चिया सीड्स, फिर दिखाती हूँ। मैं चिया सीड्स भी ओवरनाइट सोक कर रखे थे तो मैं वो डाल देती हूँ। मतलब ये आपका ब्रेकफास्ट का अच्छा काम कर सकता है, जब आपको कुछ ब्रेकफास्ट ना बनाना हो, आपको जल्दी जल्दी बस चाहिए हो कि आपका पेट भरे और आप निकलो काम के लिए। सो ये रहा हमारा बायोटीन शेक, आप भी ट्राई कर सकते हैं और बताइएगा कैसा लगा। हेल्दी और फुलफिलिंग लगता है, बहुत मजेदार लगता है, ट्राई करना जरूर। और अब हो गई है शाम, मतलब बर्तन मैंने कर लिया था खाना वाना खाने के बाद, तो ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो आते के साथ इनकी डिमांड हो गई थी हमारी यूपी की फेमस घुघरी और चाय की। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, बिल्कुल ताज़े मटर थे तो बस घुघरी बनाई हूँ, चाय बनाई हूँ, इनको देती हूँ पहले। तो चलिए कर देती हूँ ब्लॉग का एंड, और अभी चाय घुघरी खा ली, अभी थोड़ा सा रेस्ट, मतलब 10-15 मिनट लगेंगे, तब तक डिनर की तैयारी, सारा दिन यही करना है, लंच डिनर चाय पानी यही सब चलता रहता है। और मैं देख रही हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ ना जिस ब्लॉग में, उसमें कमेंट ही इतने कम आ रहे हैं, इतने कम आ रहे हैं। तो भाई जैसा भी आप लोगों को ब्लॉग लग रहा है, अगर कमी लग रही है तो कमी भी बताइए, अच्छा लग रहा है तो अच्छा भी बताइए, पर एटलीस्ट उसमें मतलब कमेंट तो कीजिए। अगर कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, अगर मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ तो आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, ये क्या बात होती है। तो चलिए आज का क्वेश्चन भाई पूछ लेती हूँ, वरना आप लोग कमेंट नहीं करेंगे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आज श्रेया ने कौन सी ड्रिंक बनाई है, उस ड्रिंक का नाम बताना है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।